कल्प वृक्ष का पेड़ बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ और धार्मिक महत्व का पेड़ है। इसको समुद्र मंथन में ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसको सागर के रत्नों में से एक था और इसको निकाला गया था और विष्णु भगवान के सिराहने वैकुंठ में ये स्थापित रहता था। अभी आजकल जो हमारी पृथ्वी पर कल्पवृक्ष का महत्व है वो और भी ज़्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि कल्पवृक्ष की आयु 6000 वर्ष होती है और 200 वर्ष इसको लगते हैं परिपक्व होने में। कल्पवृक्ष का वैसे तो आयुर्वेदिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है और बाकी औषधियों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन धार्मिक रूप से इसका और भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा महत्व है। कल्पवृक्ष का जो फूल होता है वो बहुत दुर्लभ है और बहुत ही पवित्र है। 14 वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि वो खिले ही, तो इसलिए आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस कल्पवृक्ष के नीचे, ये एक बहुत ही हमारे लिए दुर्लभ, अगस्त के बीच में खिलता है और सावन के महीने में इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आज सुबह जब ये फूल H607α2 के ग्रेटर नोएडा में खिला तो जो लोग सुबह अपनी सुबह की वॉक पे निकलते हैं वो देख के चमत्कृत हो गए और सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है इसको देखने के लिए, क्योंकि इस फूल के दर्शन मात्र से ही अपनी मनोकामनाएं लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी हो जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पुण्य कमाने का एक अवसर होता है। तो लोग सब आ रहे हैं और जितने ज़्यादा लोग आएंगे इस फूल का दर्शन करने के लिए उतना ही उनको उसका लाभ होगा। धन्यवाद।